वैसे तो रक्षा मंत्री मनोहर परिकर पीएम मोदी के चहेतों में से एक माने जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने परिकर को एक ऐसा ऑफर दिया जिससे वो चौंक गए और फैसला करने में एक से दो दिन नहीं बल्कि पूरे दो हफ्ते लगा दिए। शायद अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ऑफर था, तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठा ही देते हैं। दरअसल जब नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम हिंदुस्तान की कमान संभाली तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की हिफाजत की थी, और पीएम मोदी एक शख्स के हाथ में देश की तीनों सेवाओं की कमान सौंपना चाहते थे जो कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसे में मोदी ने उस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर पर भरोसा जताया और उन्हें कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दे दिया। लेकिन ये ऑफर परिकर के लिए किसी बम से कम नहीं था। इसका खुलासा खुद रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने किया। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर परिकर ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का ऑफर दिया था तो उस वक्त उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने सर पर बम फोड़ दिया हो। परिकर के मुताबिक मोदी की पेशकश पर फैसला लेने में उन्हें दो हफ्ते लग गए। परिकर ने पणजी में गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर के 60वें बर्थडे पर ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम में ये खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने अपने गोवा से नई दिल्ली पहुंचने के सफर पर कुछ खास बातें शेयर की। परिकर ने कहा, 26 अक्टूबर 2014 को मैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने पहुंचा। दरअसल मैं अपने राज्य में माइनिंग सेक्टर के लिए कुछ ग्रांट के बारे में बात करना चाहता था। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जब पीएम से इस बारे में बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप मेरे कैबिनेट को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। डिफेंस मिनिस्टर ने आगे कहा, मोदी जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। परिकर के मुताबिक उन्होंने पीएम की बात सुनी और कहा कि मैं सोचकर आपको जवाब दूंगा। इसके बाद मैं वहां से चला गया। परिकर के मुताबिक उन्होंने तय कर लिया था कि अब 2-3 महीने तक तो दिल्ली नहीं आएंगे, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर पीएम की तरफ से मैसेज भेजा गया। उन्होंने कहा, इसके बाद आखिरकार मैंने तय कर लिया कि कैबिनेट में जाऊंगा। 6 नवंबर को फैसला किया और 8 को गोवा के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। परिकर के इस्तीफे के बाद ही लक्ष्मीकांत पारसेकर को गोवा का सीएम बनाया गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।